हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है धनतेरस, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। और मैंने सबसे पहले खरीद लिया है ये बर्तन, जो मैं आपको जग आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी सब मैं आपको इत्मीनान से घर पर दिखाऊंगी सामान। अभी आते आते मैंने सबसे पहले बर्तन खरीद लिया, और अब मंदिर के लिए सबसे पहले मुझे फल खरीद के लाने हैं। पहले मैं फल लूँगी, उसके बाद मिठाई लाएंगे। और मिठाई कुछ मैं ले भी गई थी, लेकिन मुझे पिस्ता बर्फ़ी नहीं मिल रही है, और मैं लक्ष्मी माता को पिस्ता बर्फ़ी ही चढ़ाती हूँ पूजा में। और अगर पिस्ता बर्फ़ी नहीं मिली, पिस्ते का पैकेट ले लूँगी। मतलब इस बार देवी माँ को सिर्फ पिस्ते से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि पिस्ता बर्फ़ी नहीं मिल रही है। और 3 से 4 दुकानों पे मैंने पता कर लिया है, जो बहुत ही अच्छी शॉप है जहाँ से मैं लेती हूँ, स्वीट शॉप, वहाँ से भी नहीं मिली है तो कहीं से भी कहाँ मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। तो अभी भी कोशिश जारी है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पिस्ता ही चढ़ाऊँगी मैं। तो अभी यहाँ पर लड़कियाँ आएंगी, मैं पिछले वीडियो में किसी से भी अच्छे से मिलवा नहीं पाई हूँ आपको, तो वैसे तो आप पहले से मिले हो, लेकिन काफ़ी टाइम से वीडियो में उनको उन्होंने बात नहीं की, आप लोगों से हेलो हाय नहीं किए, तो आज मैं मिलवाऊँगी। सारी लड़कियाँ आ जाएं तो फिर एक बार मैं व्लॉग ऑन कर लूँगी, तो वीडियो में सबसे आपको मिलवा दूँगी। और ये सारी शॉपिंग जितनी भी मैं कर रही हूँ घर पे, आपको इत्मीनान से दिखाऊँगी। और पिछले वीडियो में भी मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ चीज़ें, पता नहीं काम का बर्डन है इस वजह से। तो घर पर कोई मेहमान आएगा, वो परमानेंट होगा हमारे घर पर, तो अब भी दोबारा मन बनाया बड़ी, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ना, वो चीज़ मुझे इतनी दिल को टच हो गई है कि मेरा चाहकर भी मना करने को दिल नहीं किया। तो हम लाएंगे और आपसे मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि क्या चीज़ है वो। अभी मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि डिटेल में सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि मैंने डिटेल में अभी बताया ही नहीं आपको, बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो मिलूंगी आपको। अभी सबसे पहले मैंने बैग यहाँ पे रख दिए हैं दोनों तीनों, और अब मैं जा रही हूँ पहले मंदिर के लिए फ्रूट वगैरह लेने, क्योंकि कल का ही दिन है, घर की सफाइयों में टाइम निकल जाएगा। आज सुबह भी मैंने 4:30 बजे उठ के लॉबी की सफाई की है, क्योंकि लॉबी में हम मंदिर लगाएंगे, और मंदिर दिवाली वाला आपको पता ही है, जो लोग पहले से जुड़े हैं मेरे साथ उनको पता है कि मैं ज़मीन पर ही मंदिर लगाती हूँ। और इस चैनल पर अगर नहीं पता है तो इस चैनल पर मैं बता रही हूँ कि मंदिर हम ज़मीन पर लगाते हैं, आपको डिटेल में बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। चलो इधर से है। पति देव के लिए, पर भैया मेरे को ये बता देना कि चेंज कितने बजे की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को तो गिफ्ट एज ए गिफ्ट ले जा रही हूँ ना, अगर उनको पसंद नहीं आया तो घर पे दिखाऊंगी ना आराम से जो शॉपिंग की है। प्रमोट कर देना भाई, 306। हाँ हाँ भैया जरूर, मुझे भी प्रमोट कर दो। क्या नाम है आपका? थोड़ा पास चले पहुंच। हाँ अब इसको पकड़ो साइलेंट गाइस। हेलो, कहाँ से रखो साइलेंट? अच्छा सबसे पहले वो माल फेंकना भाई जी, सबसे पहले वो माल फेंकना, वो सेल का माल है। अच्छा उतार रहे तो मेरे बस जल्दी वही फेंक दे मेरे भाई जी। तो
देखो ये बाद में मेरे को देना पड़ेगा, खर्चा पड़ जाए मेरे को और देख गूगल पे का ना मेरे को इससे चल आएगा ना। देखो ये गूगल पे है ना, ये फोन पे है, गूगल पे का है मेरा, गूगल पे तो इसी में तो गाइज हम दोनों लोग बचे हैं यहाँ पर सेंटर में, हम निकल रहे हैं और बारिश बहुत तेज है, मैं दिखा देती हूँ। और बैग देख लो, एक दो तीन फिर ये चार फिर पांच और छठा बैग तो अभी दिखाई नहीं है, मरून वाला कहाँ है, और ये झाड़ू भी है साथ में, मतलब टोटल मिला के बहुत सारा सामान है जो उठाना पड़ेगा। और मैं बारिश आपको दिखा देती हूँ कितनी तेज हो गई है, ये देख लो इतनी तेज बारिश है। अब कैसे जाएंगे घर इतना सामान उठा के, और इस बारिश में मेरे पैरों में सॉक्स भी नहीं है और शूज भी नहीं है, ठीक है, और स्वेटर भी नहीं है मेरे पास, और सुबह कोई आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड बढ़ जाएगी, और अभी स्वेटर भी नहीं है मेरे पास, अभी ठंड हो रही है। जैसे आपका इसका ये तो सैमसंग है। चढ़ गया मेरी शकरा।